हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेथन। मैं हूं अभिषेक और फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं केमिस्ट्री का एक और क्लास लेकर। हमने पिछले कुछ वीक्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को या उसी कॉन्टेक्स्ट में और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग सॉल्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे आज। सॉल्ट्स के बारे में तो हमने समझ लिया था कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट। हमने सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज भी अंडरस्टैंड किया था। अब हम कुछ सॉल्ट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे आज। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, या सॉल्ट्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जनरली सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, डबल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ओके तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो है बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, हाउ आर सॉल्ट्स बीइंग क्लासिफाइड। नॉर्मल सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होता है जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। सो व्हाट कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्ट, अ सॉल्ट व्हिच डज नॉट कंटेन्स एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ओके फॉर एग्जांपल Na2SO4, ओके Ca SO4, ओके Na3PO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये सब जो एग्जांपल्स है नॉर्मल सॉल्ट के। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो मैं इनमें से एक का एग्जांपल लेकर आगे पढ़ाता हूं, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट जो है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बन रहा है? NaOH एंड H2SO4। ओके सो H2SO4 and NaOH में ये सिंपल रिएक्शन है। इसको मैंने भी बैलेंस नहीं किया है। आई नो यहां पे सोडियम को बैलेंस करना जरूरी है, वाटर का भी सिमिलरली बैलेंस करना जरूरी है। तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं कि जो सोडियम सल्फेट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। ओके एंड इसमें जो है कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट। ओके अनदर एग्जाम्पल कुड बी Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, ये किससे बनता है? NaOH plus H3PO4 and water. Again, this is also not a balanced equation. बस मैं आपको बता रहा हूं इसका formation कैसे हो रहा है. So sodium hydroxide is the base
एंड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज द एसिड, योर सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड. सो वेन द सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इट इज फॉर्मिंग अ नॉर्मल सॉल्ट. ओके, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट जिसमें कोई हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है. तो अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप के सॉल्ट पे. सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है. ओके, एंड किसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं? अ सॉल्ट विच कैरीज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. मतलब एक वो सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, जो फर्दर दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करके या एसिड रिएक्ट करके अनदर लेवल ऑफ सॉल्ट फॉर्म कर सकता है. ओके, तो एसिडिक सॉल्ट क्या है? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या हो गए? HCl, HNO3, H2SO4. ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. ये जब किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ रिजल्ट क्या देता है? एसिड सॉल्ट. ओके, अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज व्हेन अ पॉलीबेसिक एसिड, जब कोई पॉलीबेसिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है सब्सिक्वेंट बेस के साथ, तो वो जो है एसिडिक सॉल्ट एज अ रिजल्ट फॉर्म करता है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइफॉस्फेट. एग्जाम्पल्स है NaHSO4, यह सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट, Na2HPO4, सोडियम बाइफॉस्फेट और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स. अब मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर बेसिकली दोज काइंड ऑफ एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड और आयोनाइज्ड. मतलब कोई भी एसिड जब पूरी तरह से डिसोशिएट या आयोनाइज हो जाता, ब्रेक हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. एसिड स्ट्रेंथ के बारे में हम और फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. ये अभी के लिए हमें बस जानना है कि नॉर्मल टर्म्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं. बाकी इसके और हाई लेवल और डिटेल्स हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? एन एसिड विच इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड और आयोनाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर HA इज द एसिड, इट गेट्स ionized or dissociated into H plus and A minus. So, ये complete dissociation हो रहा है ना, ये है strong acid. अभी इसी की जगह पे weak base किसको हम कहें, weak acid किसको कहेंगे? Weak acid कौन होगा? जो partially dissociate या partially ionized होता है. Therefore, वो unionized acid भी उसमें रहता है और जो dissociate होके जो remaining जो होता है वो भी वहीं पे अवेलेबल रहता है. ठीक है, दैट इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड और कंप्लीटली आयोनाइज्ड. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीक एसिड. सब्सिक्वेंटली बेसिस के केस में क्या होता है? जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस, हम किसे कहते हैं? जब हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस जो आयन होता है वो कंप्लीटली कोई भी बेस जो है डिसोशिएट या आयोनाइज हो जाता है एंड इट गिव्स अवे द OH माइनस आयन. बेसिस को हम कैसे लिखते हैं? BOH will dissociate into B plus and OH minus. तो जब ये completely ionize, ये dissociate हो जाता है जिस केस में, that is a strong base. And weak base क्या होता है? जब जो level of dissociation है वो complete नहीं होता या वो higher नहीं होता है,
मतलब उसमें अनडिसोसिएटेड या अनआयोनाइज्ड पार्ट्स भी रहते हैं. इट इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन, नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इसके कॉम्पोनेंट्स में, बी प्लस एंड ओएच माइनस में. ओके, सो दीज आर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस. तो अभी जब मैंने आपको बताया एसिडिक सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होके होता है. देखिए, आइए देखते हैं कैसे हो रहा है वो. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस. ओके, ये क्या देगा? NaHSO4 प्लस 1 मोल ऑफ वॉटर. ये क्या है? NaHSO4. ये एसिडिक सॉल्ट है. अब इसका अबिलिटी क्या है? ये क्या है? एक जब एक पॉली बेसिक एसिड एक बेस का रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक सॉल्ट देता है. एंड दैट एसिडिक सॉल्ट फर्दर हैज द अबिलिटी टू गेट मोर आयोनाइज टू गिव द सेकेंड लेवल ऑफ सॉल्ट. तो ये NaHSO4 जो है फर्दर NaHSO4 जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 एंड अनादर मोल ऑफ वॉटर देगा. ओके, दिस अगेन रिएक्ट विद NaOH टू गिव दिस Na2SO4. तो ये है एसिडिक एसिडिक सॉल्ट. सो इन दिस केस दिस इज द एसिडिक सॉल्ट. ये तो नॉर्मल सॉल्ट था जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था. ठीक है, बट जब ये NaHSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट. अभी नेक्स्ट क्या हम देखेंगे? बेसिक सॉल्ट के बारे में. बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होता है? When a poly basic, when a polyacidic base reacts with lesser amount of acid, जब भी कोई polyacidic base, ठीक है, जब कोई lesser amount of acid, acid का कम quantity के साथ react करता है तो उस जो resultant salt form होता है उसमें जो है OH यानी hydroxyl group present होता है, OH minus ion present होता है. जैसे एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है? H प्लस आयन प्रेजेंट रहता है, इसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट रहता है. एज अ रिजल्ट इट मेक्स द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्ट बेसिक. देयरफॉर वी कॉल इट बेसिक सॉल्ट. तो बेसिक सॉल्ट्स मतलब अगेन एसिडिक सॉल्ट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ होता था, इसमें उल्टा है. इसमें क्या है? बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक या लिटिल क्वांटिटी में है, कॉन्सेंट्रेटेड उतना हाई नहीं है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहा है. तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट का. PbOH twice, that is lead hydroxide. Lead hydroxide when it is reacting with HCl, it forms PbOH Cl प्लस H2O. तो ये क्या है? ये लेड ऑक्सीक्लोराइड जो सॉल्ट है दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. ओके, लेड हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ इट इज गिविंग लेड ऑक्सीक्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड एंड वॉटर. ओके, सो दिस इज अगेन ये जो PbOHCl है ये फर्दर जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो PbCl2 एंड अनदर मोल ऑफ वाटर देगा. तो ये तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया, बट इन दिस केस बेसिक सॉल्ट ये है. व्हाई? बिकॉज दिस इज कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल एटम. ओके, एक और हाइड्रोक्सिल एटम इसके पास है. जैसे एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है? H प्लस आयन रहता है, इसमें OH माइनस आयन रहता है. ओके, सो इसी के जैसे अगर BiOH थ्राइस अगर हम देखते हैं
when this reacts with HNO3, it will give when BiOH3 reacts with HNO3, it gives BiOH twice NO3 plus water. So therefore, PbOHCl and BiOH whole twice NO3, these are the examples of basic salts. Now, next we will move on to double salt, okay? तो डबल सॉल्ट के केस में क्या होता है, इट विल कंटेन ईदर टू पॉजिटिव आयंस और टू नेगेटिव आयंस इन द सॉल्ट फॉर्म्ड. ओके, जो एसिड और बेस रिएक्ट करके जो रिजल्टेंट सॉल्ट बनता है उसमें दो पॉजिटिव आयन या तो दो नेगेटिव आयन हो सकता है. तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं, जैसे डोलोमाइट इज वन ऑफ एग्जांपल्स, मोर सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. डोलोमाइट इज CaCO3.MgCO3. सो इसमें जो है Ca2+ एंड Mg2+, इन दोनों का ही जो है आयन्स प्रेजेंट है इस सॉल्ट में, डोलोमाइट में. तो डोलोमाइट के जैसे ही मोर सॉल्ट, पोटैश आयन, ये सब भी डबल सॉल्ट्स के एग्जांपल है. ओके, सो और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट, इसके बारे में हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए सॉल्ट के क्लासिफिकेशंस में हमने आज पढ़ा कि सॉल्ट क्या क्या टाइप के होते हैं. एक तो होता है नॉर्मल सॉल्ट, जो कंप्लीटली जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बिल्कुल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट और एक क्या है, एसिडिक सॉल्ट विच कंटेन्स H+ आयंस रिप्लेसेबल. अनदर वन इज बेसिक सॉल्ट विच कंटेन्स OH हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्ट. और हमने आज फिर क्या पढ़ा, डबल सॉल्ट के बारे में. तो ये जो है सॉल्ट्स के बेसिक क्लासिफिकेशन है. सॉल्ट्स के बारे में और एडवांस लेवल में हम आगे पढ़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी, एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं अभिषेक आप सबसे विदा लेता हूँ. थैंक यू सो मच.